सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस आइडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपना चैनल में आप लोगों के लिए नए नए बिजनेस का आइडिया लाता रहता हूँ, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कैसे करते उसका आइडिया आपको देता रहता हूँ, उसी तरह आज भी एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का आइडिया लाया हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और जिसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। और इस बिजनेस को करने से आपका महीने में 60,000 से लेके 1,00,000 के बीच आप आराम से कमा पाओगे। तो दोस्तों, आज हम जिस बिजनेस की आपको बात करने वाले हैं वो बिजनेस है मॉप मेकिंग बिजनेस। इस बिजनेस को इंडिया में बहुत ही हाई चल रहा है, मॉप का डिमांड बहुत ही हाई चल रहा है। मॉप यानी कि जिसको हम झाड़ू या फिर पोछा भी कह सकते हैं, इसकी मदद से घर पर पोछा लगाना, अपना फ्लोर साफ करना बहुत आसान होता है और इसको इस्तेमाल करके आपका जो समय होता है वो बहुत ही सेव होता है, बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है। और इसका डिमांड सिर्फ घर पर ही नहीं, जहाँ पर साफ सफाई की बात हो या स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर ऑफिस हो, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, हर एक जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके हिसाब से इसका जो डिमांड है वो इंडिया में बहुत ही हाई चल रहा है। तो इसी टाइम पर अगर ये बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो इस बिजनेस को करके आप महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो। अब आपको बताते हैं कि आप इस बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आप अपने घर के जो कमरा होता है उसी कमरे में बैठ के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक मशीन खरीदना होगा, वेल्डिंग मशीन कहते हैं। उस मशीन का कीमत आपको 6,000 रुपीस आ जाएगा। और इस मशीन का एक बेनिफिट है, इस पूरा मशीन आपको हाथ से ही चलेगा, इसको चलाने में आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायर्ड नहीं है। और उसके बाद आपका आता है मॉप बनाने का जो रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स का कीमत आपको आ जाएगा 4,000 रुपीस। तो मशीन खरीदना होगा आपको 6,000 में और रॉ मटेरियल हो गया 4,000 में, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आ गया 10,000 का। अब बात करते हैं 10,000 इन्वेस्टमेंट करके आप प्रॉफिट कितना कमा सकते हो। तो प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे एक मॉप बनाने में आपका खर्चा आता है, अगर आप अच्छे क्वालिटी का मॉप बनाते हो तो इसमें आपका खर्चा आता है तकरीबन 30 रुपीस एक मॉप का। अगर आप इसको 20 रुपीस मार्जिन लगा के सेल करते हो तो इसको मार्केट प्राइस हो गया 50 रुपीस, मतलब एक मॉप में आपका प्रॉफिट आ गया 20 रुपीस का। अगर आप दिन में 100 मॉप सेल करते हो तो इसमें दिन में आपका आर्निंग हो जाएगा 2,000। तो इसके हिसाब से अगर आप महीने में आपको इसका हिसाब लगा लीजिए तो इसका महीने में आपको अर्निंग हो जाएगा 60,000 पर मंथ। और आपका बिजनेस जितना आगे चलता जाएगा, जितना ग्रो करता जाएगा, उसके हिसाब से आपका जो बिजनेस का जो अर्निंग होगा, मंथली जो अर्निंग होगा, उतना ही आगे चलता जाएगा, उतना ही बढ़ते जाएगा। अब इसका सेल का बात करें तो इसको सेल करने के लिए आपका तो ऑफलाइन मार्केट है, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन मार्केट पर भी सेल कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन पर इसका डिमांड बहुत चल रहा है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आपको बता दिया कि किस तरह से आप मिनिमम 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करके महीने का 60,000 या उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। आप अर्निंग करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना अच्छा मार्केटिंग कर पाओगे उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला नया बिजनेस आइडिया आपके लिए लाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।